जी हाँ गाइस, मैंने बाल कटा लिए हैं और अब मेरा दिमाग 100 गुना ज्यादा तेज चलेगा और इसीलिए इस चैनल पे वो सब कुछ होगा जिसके लिए ये चैनल बना है। जैसे कि अब देखो, ये नॉर्मल सी बोतल है लेकिन हम इस नॉर्मल सी बोतल को बना देंगे दुनिया का सबसे सिंपलेस्ट रॉकेट। तो आज की इस वीडियो के अंदर कुछ सिंपल सा लेकिन बहुत ही नया और बहुत ही बेहतरीन चीज दिखाएंगे, तो इस वीडियो को पूरी देखना। आपके लिए काम है छोटा सा, चैनल को सब्सक्राइब करना, 30 मिलियन जल्द करते हैं और इस वीडियो को लाइक कर दो क्योंकि ये जो रॉकेट है ये लिक्विड फ्यूल पावर्ड रॉकेट होने वाला है। ये है 2 लीटर वाली कोल्ड ड्रिंक की बोतल और इसे बनाते हैं दुनिया का सबसे सिंपलेस्ट रॉकेट। आसान है, देखो ये जो ऊपर वाला ढक्कन है इसे अपन खोल लेते हैं और खोलने के बाद हमें सिंपली इसके अंदर छेद करना है और छेद करने के बाद हम इसके अंदर फंसा देंगे ये बाइसिकल वॉल्व। मोटरसाइकिल का भी चल सकता है ये। देखो अगर ये भी नहीं करना है तो सिंपली छेद करेंगे और इसके अंदर एक पेन की ये जो होती है पाइप ये फंसा देंगे कुछ इस तरीके से और ये बन गया हमारा दुनिया का सबसे सिंपल रॉकेट। अब आप बोल रहे होंगे यार भैया यार ये चलेगा कैसे या फिर किस तरीके से चीज काम करती है, तो कहीं इसके अंदर अब हम डालेंगे फ्यूल और फ्यूल भी है लिक्विड फ्यूल। जिस तरीके से बड़े बड़े जो रॉकेट्स होते हैं उनके अंदर फ्यूल होता है लिक्विड हाइड्रोजन लिक्विड ऑक्सीजन, उसी तरीके से हमारे इस दुनिया के सबसे सिंपलेस्ट रॉकेट के अंदर होगा लिक्विड नाइट्रोजन वाला फ्यूल जिसे हम डालते हैं कुछ इस तरीके से इसके अंदर। देखो और गाइस ये तैयार है दुनिया का सबसे सिंपल रॉकेट। देखो यार ठीक वैसा ही लग रहा है ना जैसे वो जो रियल रॉकेट स्पेस में लॉन्च होते हैं उसके नीचे से इसी तरीके से वेपर्स निकल रहे होते हैं। लेकिन गाइस कुछ भी करने से पहले सेफ्टी फर्स्ट। अब अपन क्या करेंगे, अपन ये जो चीज बनाई है इसे लगा देंगे इस बोतल के ऊपर कुछ इस तरीके से और ये हमारा रॉकेट बनके तैयार हो चुका है। अब आप सोच रहे होंगे कि भैया ये काम कैसे करेगा यार, ये तो एक जगह पे है चल तो रहा ही नहीं है। इसे रॉकेट बनाने के लिए अपन क्या करेंगे, इसके अंदर के लिक्विड नाइट्रोजन को जल्दी से इवेपोरेट करेंगे और इवेपोरेट कराने के लिए हम इस चीज को पानी के अंदर डाल देंगे। देखो कुछ इस तरीके से अभी ये रॉकेट है गाइस, देखो कितनी तेज इसके अंदर से वेपर्स आ रही है, देखो बहुत तेज बहुत ही ज्यादा तेज है गाइस। ये प्रेशर इतना ज्यादा है कि इस बोतल को रॉकेट बना देगा लेकिन अभी ये पानी के अंदर है इस वजह से कहीं पे भी ये चीज जा नहीं पा रही है और कुछ ही देर के अंदर हमारी जो पूरी नाइट्रोजन है वो इवेपोरेट हो जाएगी। आजा आजा पास आजा, डोंट वरी मैं हूं ना, डरने की क्या बात है। अभी इसकी आवाज सुनो और गाइस लिक्विड नाइट्रोजन इतनी कमाल की होती है कि ये पानी के अंदर गई तो इस ये जो बोतल है इसके ऊपर ये जो पानी था ये लेयर्स के रूप में बर्फ के रूप में जम गया। ये देखो गाइस ये बर्फ है, ये नॉर्मल बोतल है और ये बर्फ है। ये देखो गाइस ये देखो मैं जमीन पे मारता हूँ फिर देखना। ये देखो गाइस इतनी सी देर में, खैर ये चीज नहीं अपने को तो रॉकेट बनाना है तो रॉकेट बनाने के लिए अपन क्या करते हैं ताकि आपको अच्छे से व्यू मिले इसीलिए सिंपल होना चाहिए ना, ये वाला तो थोड़ा और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है इसीलिए अपन ये वाला नोजल लगाते हैं। कहाँ गया ये वाला पेन वाला, ठीक है फिर इसे रॉकेट की तरह उड़ाएंगे। गाइस रॉकेट नोजल लगाते हैं अब और अब हमारा रॉकेट लॉन्च के लिए बिल्कुल तैयार है गाइस। ठीक है गाइस 3, 2 एंड 1 सक्सेस गाइस। देखा आपने दुनिया का सबसे सिंपल रॉकेट, बहुत ही ज्यादा मजेदार है गाइस। हाँ मैं यूं तो नहीं कहूंगा कि इसकी मदद से अपन स्पेस तक जा सकते हैं लेकिन मजे तो ले ही सकते हैं। लेट्स ट्राई वन मोर टाइम। और गाइस अगर हम इसके नोजल को थोड़ा मॉडिफाई कर दें जैसे कि ये चीज है तो जो ये रॉकेट है ये फिजेट स्पिनर बन जाएगा या फिर ये पागल हो जाएगा, पागलों की तरह बिहेव करेगा। देखना अभी देखना मजा आ गया यार भाई, मजा आ गया। ऐसी चीज हमने लाइफ में इससे पहले कभी भी नहीं की यार, असली मजा ही छोटी छोटी चीजों के अंदर आता है। ये देखो नली भी टूट गई और हमारा रॉकेट देखो पुप पुप काली, लेकिन बहुत मजा आया यार, बहुत इनक्रेडिबल। कुछ और ट्राई करते हैं। रॉकेट इन 3, 2
गाइस यार हमारा रॉकेट तो बहुत ही अच्छे से काम करता है, लेकिन इसकी एक बात ये है कि थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा भागता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है यार, ये टेढ़ा मेढ़ा भागता है ना, इसकी वजह से अपन इसके साथ में एक चीज और ट्राई कर सकते हैं। गाइस यार इसे हम एज अ बोट यूज कर सकते हैं। तो गाइस यार चलो अब चलते हैं पानी के पास में और वहां पे आपको इसी चीज को एज अ बोट में कन्वर्ट करके दिखाते हैं। ऑलराइट गाइस, तो यार लोड, चलो सामान लोड करो और मैं जो है आपको फाइनली ये चीज करके दिखा देता हूँ, ठीक है? तो इस तरीके से बंद कर देते हैं और इसे अब जो है, अभी देखना मैं क्या करता हूँ, देखना उधर, देखना उधर, उधर अभी देखना उधर करो। चलो चलो चलो, गाइस ये आ गए हम लेक के ऊपर, उतारो उतारो सामान, किसका इंतजार है? तो गाइस यार यहाँ पर हमारा जो रॉकेट है वो बोट के अंदर तब्दील हो जाएगा, कैसे अभी बताता हूँ। तो गाइस यार आइडिया काफी सिंपल है, अब हमारे पास यहाँ पर कई सारे रॉकेट्स हैं, यानी कि बोट्स, और बोट्स भी काफी सिंपल है। देखो इस ये जो चीज है इसका फंडा काफी क्लियर है कि जब अपन लिक्विड नाइट्रोजन इसके अंदर डालते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन फिर किसी भी दूसरी चीज से टच होती है तो वो बहुत ज्यादा तेजी से वेपरेट होती है और बहुत ज्यादा तेजी से इस नोजल से बाहर निकलती है, और इस वजह से यहाँ पे काफी ज्यादा प्रेशर क्रिएट होता है और हमारी जो नॉर्मल बोतल है वो एक रॉकेट बन जाती है। अब देखते हैं कि ये एक नाव बनती है या फिर नहीं। तो नाइट्रोजन डाल देते हैं। ऑलराइट गाइस, इसके अंदर हमने डाल दी है लिक्विड नाइट्रोजन यानी कि लिक्विड फ्यूल। अब क्या करते हैं, इसका नोजल लगा देते हैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से और सीधा ही इसे पानी के अंदर डालते हैं। 1, 2 and 3। हमारे पास कई सारे रॉकेट तैयार हो गए हैं, ये देखो, दो इसके पास है, दो मेरे पास है, दो मनीष के पास है। इन सभी रॉकेट्स को फेंकते पानी के अंदर और फिर देखते हैं कि किस तरीके की बोट्स बनती है, ठीक है? बाबा वहां पे देखने चारों पांचों को, मेरे तीन गिने पर, 1, 2, 3 देखो। ओ! ओ! पर 1, 2, 3 देखो। ओ! बहुत ही शानदार गाइस, मजा आ गया, सारे रॉकेट परफेक्टली काम किए। और गाइस इसके अंदर इतने रिस्क तो नहीं है, लेकिन अगर सावधानी से ना किया जाए तो ये भी चीज रिस्की हो सकती है। तो गाइस यार एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट था लेकिन बहुत मजेदार था। तो आज के लिए बस इतना, आई होप इस वीडियो के अंदर आपको मजा आ गया, इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।